501 पजल की इस यात्रा में प्रतिदिन एक एक पजल लॉजिकली सॉल्व करते हुए हम यहां तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपके पास है एक कार। कार का नंबर है 4 डिजिट का। 4 कंडीशंस दिए हैं। चारों क्लूज को, चारों कंडीशंस को कंसीडर करके आपको बताना है कार का नंबर। पहला क्लू, चारों डिजिट अलग अलग हैं। दूसरा क्लू, पहला डिजिट आखिरी डिजिट का 1.5 गुना है। तीसरा क्लू, यदि आप 4 डिजिट के पहले 2 डिजिट को लें और उनसे जो नंबर बने वह नंबर है आखिरी के 2 डिजिट से बने हुए नंबर का आधा। चौथा क्लू, द लास्ट वन, यदि आप बीच के 2 डिजिट को लें तो उनका अंतर है 1। अब आपने बताना है कार का नंबर। मैं चाहूंगा वीडियो बंद करें, इस तरह की पजल आप अपने से सॉल्व करें। एरिथमेटिक है, ऑब्जर्वेशन है, लॉजिक है। तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरह से कार का नंबर कैलकुलेट किया। मेरा प्रोसेस देखने के पहले मैं आंसर बता देता हूं। यदि कार का नंबर है ABCD तो उत्तर है 3672, 3672। यदि आपने पहले वीडियो नहीं रोका है तो अब आप वीडियो रोक सकते हैं और पता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैंने किस तरह से आंसर निकाला। देखते हैं मेरा प्रोसेस। हमने मान लिया है कि 4 डिजिट का नंबर है ABCD। चौथे क्लू को लें, B-C = 1 और C-B = 1, क्योंकि जो 2 डिजिट मिडिल में है उनका अंतर है 1। बी बड़ा है सी से या सी बड़ा है बी से ये हमें अभी मालूम नहीं है। दूसरे कंडीशन को लेते हैं, A = 3/2 D, A = 1.5 T। यहां से हमें पता लगता है कि डी नॉन जीरो है, डी का मूल्य 0 नहीं है और डी इवन डिजिट है। इसलिए डी के पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं 2, 4, 6 और 8। यदि हम इक्वेशन देखें A = 3/2 D, तो डी और ए के पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं 2, 3। डी का मूल्य होगा 2 तो ए का मूल्य होगा 3 और 4, 6। डी का मूल्य होगा 4, ए का मूल्य होगा 6 और 6, 9। डी का मूल्य होगा 6, ए का मूल्य होगा 9। और इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि डी का मूल्य 8 नहीं हो सकता। डी के 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं 2, 4 और 6। इसका अर्थ है यदि ए 3, 6 और 9 है तो डी होगा 2, 4 और 6 रिस्पेक्टिवली क्रमशः। अब हम कंसीडर करते हैं तीसरे कंडीशन को। तीसरे कंडीशन के मुताबिक 2 × AB = CD। ए के 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, डी के 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। बैठाएं 3 पॉसिबिलिटीज, 2 × 3B = C2। यहां से हमें B का मूल्य मिलता है 6, 2 × 36 = 72 और 2 × 6B = C4। यहां से B का मूल्य मिलेगा 7। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 × 67 विल गिव अस अ 3 डिजिट प्रोडक्ट। तीसरी पॉसिबिलिटी 2 × 9B = C6। यहां से हम B का मूल्य ले सकते हैं 8, 2 × 98 और 2 × 93। किसी भी कंडीशन में C6 विल बी अ 3 डिजिट नंबर। इसलिए हमें आंसर मिलता है एक पॉसिबिलिटी से 2 × 36 = 72। इसलिए कार का नंबर कितना हो जाएगा 3672। कंडीशंस को क्रॉस चेक कीजिए।
All the four digits are different? Yes. The first digit is 1.5 times the last digit. Pehla digit 3, last digit 2. Tisra clue, pehle do digit se bana hua number, last do digit se bane hue number ka aadha hoga. 36 is half of 72. Aur chautha clue, बीच के दो डिजिट में अंतर होगा, एक का 6 और 7 में अंतर है, एक का. चारों कंडीशन फुलफिल हुए, सो कार का नंबर हुआ 3672. इस तरह से आंसर निकालने के बाद आंसर को क्रॉस चेक भी करना चाहिए. इस तरह की पजल से ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी, न्यूमेरिकल स्किल बढ़ेगी, एनालिटिकल स्किल बढ़ेगी. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बाय प्रोडक्ट है. विभिन्न मानसिक कुशलताओं का विकास करते हुए 501 पजल की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं. अगली पजल में अवश्य मिलेंगे. धन्यवाद. थैंक यू.